not only changed my investment philosophy, it really changed my whole life. I'd be at a different person in a different place if I hadn't have first seen that book. नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है दर्शन और बी बेटर बुक्स पे आपका स्वागत है। थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में जिस महाशय को देखा उनको तो आप जानते ही होंगे, वो थे मिस्टर वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के 7th रिचेस्ट आदमी है और दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर है। क्या आपको पता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ से सीखी, उनके गुरु कौन है? उनके गुरु का नाम है मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और वो जिस बुक की बात कर रहे थे उस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मिस्टर वॉरेन बफेट के हिसाब से द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज तक इन्वेस्टमेंट पे लिखी गई सबसे बेस्ट बुक है और इसे इन्वेस्टमेंट की बाइबल कहने में आता है। तो आप समझ सकते हो कि इस बुक के लेसन्स कितने वैल्यूएबल होंगे और आज इस वीडियो में हम इसी बुक की समरी देखेंगे और इस बुक से 3 मेजर की टेक अवेज की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? हम में से ज़्यादातर लोग स्पेक्युलेशन करते हैं और उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम में से कितने लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर कंपनी के मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं? बहुत कम। हम में से ज़्यादातर लोग किसी के टिप पे, फ्रेंड के सजेशन पे या फिर जब किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है तभी उसे बाय कर लेते हैं। ऑथर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखें तो वो जो कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सेफ रखते हुए आपको एडिक्वेट रिटर्न दे उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। यानी कि यहाँ पर 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला तो कंप्लीट रिसर्च और एनालिसिस होना चाहिए, सेकंड वो एडिक्वेट रिटर्न देना चाहिए और थर्ड वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ रखना चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट में ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं स्पेक्युलेशन है। यानी कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का सबसे पहला रूल ये है कि आपको किसी की टिप पे या फिर फ्रेंड के सजेशन पे रिलाई नहीं करना है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लेना है, अपना रिसर्च एनालिसिस खुद करना है और उसके बेसिस पे ही डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कौन से प्राइस पे एंट्री लेनी है। अब एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब मार्केट के साथ डील कैसे करोगे? मार्केट को समझाने के लिए ऑथर ने यहाँ पर मिस्टर मार्केट नाम का एक इमेजिनरी कैरेक्टर बताया। ऑथर कहते हैं जो मिस्टर मार्केट है वो बहुत ही मूडी और इमोशनल है। वो रोज़ आपके पास आएगा और आपको अलग अलग ऑफर देगा। कभी वो आपके पास जो बिजनेस में स्टेक है वो खरीदने के लिए ऑफर देगा, कभी वो खुद के पास जो बिजनेस में स्टेक है वो बेचने के लिए ऑफर देगा। अब जैसे कि मैंने कहा मिस्टर मार्केट बहुत ही मूडी और इमोशनल है, तो जो भी प्राइस ऑफर करता है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं रहता, वो अपने मूड के हिसाब से प्राइस ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल जब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होगी, फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता होगा, तब वो 1 लाख की वैल्यूएशन वाली कंपनी के लिए 2 लाख 3 लाख देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। लेकिन जब उसका मूड खराब होगा, फ्यूचर अनसर्टेन होगा और इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी, तब वो वही 1 लाख वाली वैल्यूएशन वाली कंपनी को 50,000 में भी खरीदने बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग का फायदा उठाना है। यानी कि जब उसका मूड खराब हो तब उस कंपनी को 50,000 में खरीद लेना है और जब उसका मूड अच्छा हो जाए तब उसको 2 लाख 3 लाख में बेच देना है। ये सिंपल सा लॉजिक है, बाय एट लो सेल एट हाई। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको मार्केट में फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास 2 चीज़ नहीं होती, पेशेंस और डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं मार्केट में सक्सेस होने के लिए या फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको हाई आईक्यू या फिर इनसाइडर्स न्यूज़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो पेशेंस और डिसिप्लिन। यानी कि जब तक किसी स्टॉक का प्राइस आपके प्राइस रेंज में नहीं आता तब तक उसको बाय नहीं करना है और एक बार वो आपके टारगेटेड रेंज में आ जाए फिर उसको बेच देना है। उसको ये सोच के पकड़े नहीं रहना है कि कल उसका प्राइस जब और बढ़ेगा तब मैं उसे बेचूंगा। अब आप समझ गए कि मार्केट के साथ डील कैसे करना है। अब यहाँ पर आप 2 तरीके के इन्वेस्टर बन सकते हो, एक तो एक्टिव इन्वेस्टर जिसे हम एंटरप्राइज इन्वेस्टर कहेंगे और सेकंड पैसिव इन्वेस्टर जिसे हम डिफेंसिव इन्वेस्टर कहेंगे। ये जो डिफेंसिव इन्वेस्टर रहता है उसकी मेन 2 प्रायोरिटी रहती है, एक तो वो मेजर लॉसेज का अवॉइड करना चाहता है यानी कि जो अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल उसको सेफ रखना चाहता है, और सेकंड उसको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कि वो रोज मार्केट को फॉलोअप नहीं करना चाहता, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर खत्म। जबकि एक्टिव इन्वेस्टर रहता है वो टाइम और एफर्ट दोनों देने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसके बदले में वो मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है एंड ऑब्वियसली वो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी रेडी होता है। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना बेटर है क्योंकि एक तो वो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता और सेकेंड वो आपका जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसको रिलेटिवली सेफ रखता है। अब एज ए डिफेंसिव इन्वेस्टर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी? ऑथर कहते हैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल 50-50 में डिवाइड करके रखना है, यानी कि 50% आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और 50% आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। ये जो बॉन्ड्स रहते हैं वो रिलेटिवली सेफर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है जो लॉन्ग टर्म में आपको FD से थोड़ा ज़्यादा और स्टॉक मार्केट से थोड़ा कम रिटर्न देता है, और मेन बात की उसका जो रिटर्न रहता है वो फिक्स रहता है और उसमें भी खास करके जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रहते हैं वो काफ़ी सेफ और सिक्योर कंसिडर करने में आते हैं। ऑथर कहते हैं आपको थोड़े थोड़े टाइम में ये जो बैलेंस है 50-50 का उसको मेंटेन करना है, यानी कि अगर किसी क्वार्टर में स्टॉक्स में आपका प्रॉफिट बढ़ता है और उसका वेटेज जो 60% हो जाता है तो 10% बेच के उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देना है, यानी कि 50-50 का बैलेंस आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। अब जो बाकी के 50% है जो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं उसके लिए आप स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करोगे, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है? ऑथर ने यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया बताई है, तो चलिए फटाक से उन क्राइटेरिया को देख लेते हैं।
सबसे पहला क्राइटेरिया एडिक्वेट साइज ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि आपको कोई छोटी मोटी कंपनी के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको वेल एस्टेब्लिश प्रूवन कंपनी जिसका मार्केट में सालों से प्रेजेंस अच्छा है वैसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए आप निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज को रिफर कर सकते हो। अब सेकंड क्राइटेरिया सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। अब बहुत सारी कंपनी का रेवेन्यू तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है, यानी कि इसके ऊपर डेट बहुत ज्यादा होती है। अब जब भी किसी कंपनी को सिलेक्ट करो तब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि उसके पास एसेट ज्यादा होने चाहिए और डेट यानी कि लायबिलिटीज एकदम कम या फिर ना के बराबर होनी चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया अर्निंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब कुछ कंपनीज का कैसा रहता है, एक साल 10 करोड़ का प्रॉफिट दिया, दूसरे साल 5 करोड़ का और तीसरे साल लॉस में चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ भी होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कंपनी में कम से कम 5-10% का एनुअल ग्रोथ होना ही चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, यानी कि कंपनी जो भी अर्न करी है उसमें से कुछ परसेंट वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती होनी चाहिए, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, जो भी प्रॉफिट होता है वो वापस कंपनी में ही रीइन्वेस्ट करती है कंपनी को ग्रो करने के लिए, तो इस केस में आप डिविडेंड को निग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होना चाहिए। फिफ्थ क्राइटेरिया मॉडरेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या रहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोई कंपनी पर शेयर अगर 100 रुपीज़ अर्न कर रही है तो उसके लिए आपको 1500 से ज़्यादा रुपीज़ पे नहीं करने, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सिक्स और लास्ट क्राइटेरिया डाइवर्सिफिकेशन। अब ये तो हमने हर जगह पर सुना है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ऑथर सजेस्ट करते हैं आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 30-35 कंपनी होनी चाहिए, वो भी अलग अलग सेक्टर की, यानी कि कुछ कंपनीज फार्मा की होनी चाहिए, कुछ कंपनी मेटल्स की होनी चाहिए, कुछ कंपनी बैंक्स की होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो अब तक हमने बात करी कैपिटल एलोकेशन की और स्टॉक सिलेक्शन की, अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप किसी ब्रिज को डिज़ाइन कर रहे हो और उसके ऊपर 100 टन का लोड आ रहा है तो आप उसको क्या 100 टन के लिए डिज़ाइन करोगे, ऑफकोर्स नहीं, उसको आप 150 या फिर 200 टन के लिए डिज़ाइन करोगे, यानी कि कुछ डिज़ाइन कैलकुलेशन में गलती हो या फिर कल उठ के ब्रिज पे एक्चुअल में कोई लोड बढ़ जाए तो भी ब्रिज सस्टेन कर पाए। सिमिलरली आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तभी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना है, यानी कि आपके कैलकुलेशन के हिसाब से किसी स्टॉक की फेयर प्राइस अगर 500 आ रही है तो आप उसको 500 में नहीं 400 या फिर 450 में खरीदोगे, ताकि अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ गलती हो या फिर आपने कुछ डेटा गलत रिफर किया हो या फिर कल उठ के मार्केट ज़्यादा करेक्ट कर जाए फिर भी आप सेफ साइड में रहोगे। ऑथर सजेस्ट करते आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके ही चलना है। तो ये थे कुछ मेजर की टेकअवेज फ्रॉम द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आप बुक की थिकनेस देख सकते हो, अराउंड 500 पेज की बुक है, तो इस बुक के सारे लेसन्स तो वीडियो में कवर करना मुश्किल है लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की ट्राई की। फिर भी आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानना है तो ये बुक आपको 100% पढ़नी चाहिए। इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक नई बुक समरी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।